हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन में इफ एंड और नेस्टेड इफ के बारे में। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो देखो, आज हमारा कंडीशन क्या है समझो। आज जो हमने कंडीशन दिया है वो क्या है समझिए। हमने दिया है इफ कस्टमर बिल्स ग्रेटर देन इक्वल, इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन इक्वल 15,000 एंड डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल 10, तो डिस्काउंट देना है 30%। समझना इसमें लॉजिक क्या है। यहाँ पे लॉजिक यही है कि हमने बोला कि अगर कस्टमर का बिल 15,000 या 15,000 से ज्यादा हो तो उसको देना है 30%, और जो प्रोडक्ट खरीदेगा वह 10 या 10 से ज्यादा हो तब देना है 30%। लेकिन मैंने बताया था कि जब दोनों कंडीशन फॉलो कराने हो, सही कराने हो, तो वहां पे एंड लगाते, और जहां पे दोनों में से कोई एक या दोनों तो वहां पे और लगा दे। तो आप बताओ यहाँ पे एंड क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि हम शर्त रखे हैं कि दोनों हमारा काम करोगे तो मैं आपको इतना रुपया दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। वही हमारा कंडीशन यह है कि आप 15,000 से ज्यादा का सामान खरीदोगे या उसके बराबर खरीदोगे, और 10 प्रोडक्ट या 10 से ज्यादा खरीदोगे, दोनों अगर सही पाया जाता है तो 30% डिस्काउंट देंगे, अगर दोनों में से कोई एक भी गलत है तो उसको डिस्काउंट नहीं देना है। ऐसे कंडीशन में हम लगाएंगे इफ और। क्लियर है? इफ और तो कैसे करेंगे थोड़ा समझिए। इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लगाएंगे इक्वल, लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे? एंड लगाएंगे ब्रैकेट ओपन। पूछेगा लॉजिकल वन, तो पहला कंडीशन क्या है? टोटल बिल के हिसाब से, ध्यान सुनना। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल, फिफ्टीन थाउजेंड कामा। अब करें लॉजिकल टू, सेलेक्ट करें किसको, प्रोडक्ट को, लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल कितना, 10 ब्रैकेट बंद कामा। अब पूछेगा कि दोनों सही हो जाए तो क्या दिखाओगे, तब हम बोलेंगे 30% डिस्काउंट कामा, अगर दोनों सही ना हो तो नो डिस्काउंट। नो डिस्काउंट आ गया। क्यों आ गया समझिए, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। इसीलिए यहां पे आया, बोले ड्रैग कर दो पूरा, इसको भी छोटा कर लो। लो, इसमें कोई कंडीशन सही नहीं, इसीलिए कोई डिस्काउंट के लायक नहीं। चलो हम एक बार सही कर देते हैं, लगा देते हैं 20,000 का खरीदा था और 12 प्रोडक्ट था, तो आप बताओ दोनों शर्त मन सही है क्या? क्या 15,000 भी है, 15,000 से ज्यादा
और 12 मतलब 10 के बराबर या 10 से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे देखो 30। मतलब यह कहता है कि दोनों सही रहेगा तो मैं आपको 30% डिस्काउंट दूंगा, अगर दोनों में से एक भी गलत हो जाएगा तो नहीं दूंगा। नहीं समझाया, आ गया ना? तो यह ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। चलिए इसको पहले नोट करिए कि, और इसका एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, पहले लिख लीजिए। इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, इक्वल इफ ना एंड ना और। लॉजिकल टेस्ट पहला कंडीशन क्या है, अगर कस्टमर का बिल ग्रेटर देन इक्वल 20,000 तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 20,000 कामा कर वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये सही हो तो क्या देना है, कार दे देना है। वाह रे दिमाग लगाते हो तुम मुझे। कामा वैल्यू इफ फॉल्स फिस लगाएंगे, इफ टोटल बिल दूसरा कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल 10,000 कामा डबल होने कामा और लिख देंगे यहाँ पे बाइक जो भी देना है वो तो तुम्हारी मर्जी। डब्ल्यू का क्लोज कामा और वैल्यू इज फाल्स, तो लास्ट में बोला चाहे 1 रुपये हो चाहे 10 रुपये कुछ भी हो तो आप देना ही देना है, तुमने दे दिया बुक ब्रैकेट एक दो बार बंद इंटर। कार आया क्यों आया, क्योंकि इसका अमाउंट 20,000 के बराबर है और यहाँ पे ड्रैगन तो जिसमें कम होगा तो सब में बुक आएगा। देखो बुक आया कार आया बाइक आया सब आ गया। कैसे आया तो देख लो, यहाँ पे 6,000 है। अब 6,000 क्या है, 10 से कम है और इसीलिए मैंने बोला था 10 10 से जो कम हो उसका क्या आना चाहिए, बुक आना चाहिए। बाइक आया तो 10 और 20 के बीच में, देखो ये सेलेक्ट हम किए हैं तो क्यों आया है, क्योंकि 10 और 20 के बीच में 12,000 है इसलिए यहाँ पे बाइक आया है। बताओ इतना बार ही फार्मूला पढ़ाने के बाद भी भूल जाता है तो कैसे हो पाएगा।